तवेरा लूट के बाद पकड़ी गई गैंग से पूछताछ में अंचल में अवैध हथियार बिकने का भांडाफोड़ हो रहा है। शुजालपुर के आरोपी से हथियार खरीदने वाले तीन और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे दो देसी कट्टे और तीन पिस्टल जब्त की गई है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीन नए आरोपियों के पकड़े जाने की जानकारी दी। शुक्ल ने बताया कि नए पकड़े गए आरोपी अकोदिया के रहने वाले हैं और इन्होंने शुजालपुर में रहने वाले सरगना से हथियार खरीदे थे। इन तीन आरोपियों से दो देसी कट्टे और तीन पिस्टल जब्त की गई है। इस तरह अब तक 11 आरोपियों से 14 हथियार जब्त किए गए हैं। इनमें 5 पिस्टल, 8 देसी कट्टे और 1.22 mm की पिस्टल है। एसपी ने बताया कि अभी जानकारी मिली है कि एक और आरोपी ने तराना कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। हम उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेंगे। हथियारों की बरामदगी का आंकड़ा तब और बढ़ सकता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पिछले 4 अक्टूबर को हम लोगों ने एक अवैध शस्त्रों से संदर्भ में एक गैंग को ट्रेस किया था और उनके कब्जे से उस समय 2 पिस्टल और 8 कट्टे और 1.22 का टोटल 9 व्हीकल मिले थे। उसी इन्वेस्टिगेशन में इनके एक और साथी को हमने राउंड अप किया था, जिसके कब्जे से 2 पिस्टल और 1 कट्टा बरामद हुआ। इस तरह से टोटल आज 3 पिस्टल और 2 कट्टे और बरामद हो गए हैं। इस तरह से टोटल वेपन 14 हो गए हैं। साथ ही साथ एक इनकी और जो लिंच थी, उसने अभी जैसे जानकारी मिला 10 मिनट पहले ही उसने तराना कोर्ट में सरेंडर किया है। हम उसका पुलिस रिमांड ले रहे हैं और पुलिस रिमांड में उससे पूछताछ करेंगे।